हे नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आज की वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं दोनों ही मीडिया टेक के टॉप के प्रोसेसर्स को। एक है डायमेंसिटी 1100 एंड एक है 1000 प्लस, एंड दोनों को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कौन सा ज़्यादा बेटर चिपसेट है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं चीज़ बता दूं कि हमारे चैनल पे अभी एक ज्वाइन का बटन आ चुका है। ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लेके आ जाएंगे, एंड वहाँ पर अगर कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको सोल्यूशन चाहिए कोई भी आपके फ़ोन से रिलेटेड, वो आपको मिलेगा। हम लोग ने यहाँ पर टीम बना के रखा है जो कि आपको 24/7 सपोर्ट देंगे। इवन अगर आपका फ़ोन ब्रिक हो जाता है रूटिंग की वजह से या फिर गिर के उसका स्क्रीन टूट जाता है तो रिप्लेस भी हम करके देंगे। जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 29 रुपीज़ का है, तो ईयरली आप 348 रुपीज़, मतलब 348 रुपीज़ देते हो। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ऐसा मुझे लगता है कि 300 रुपये साल भर में देके अगर आपका फ़ोन टूटता भी है एंड उसका अगर 8000-9000 भी अगर खर्चा आता है डिस्प्ले को रिप्लेस करने का, तो भी हम करके देंगे। शुरू करते हैं वीडियो का, कंपेयर करते हैं दोनों चिपसेट को। पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही चिपसेट के लॉन्च डेट की, तो यहाँ पर डायमेंसिटी 1100 लॉन्च हुआ है 20 जनवरी 2021 में। ऑन द अदर हैंड 7 मई 2020 में लॉन्च हुआ है डायमेंसिटी 1000 प्लस, तो यहाँ पर एक साल के लगभग आसपास हो चुका है डायमेंसिटी 1000 प्लस को। बात करते हैं यहाँ पर सीपीयू फैब्रिकेशन की, तो यहाँ पर सीपीयू फैब्रिकेशन के मामले में डायमेंसिटी 1100 बेस्ड 6 nm के फैब्रिकेशन पे। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर डायमेंसिटी 1000 प्लस बेस्ड 7 nm के फैब्रिकेशन पे। तो फैब्रिकेशन जितना ज़्यादा छोटा प्रोसेस पे होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। जो सेमी कंडक्टर के जो साइजेस है वो जितना ज़्यादा छोटे होंगे उतना ही ज्यादा पावर एफिशिएंसी बढ़ती है फोन की। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस एंड बैटरी एफिशिएंसी के मामले में डायमेंसिटी 1100 स्लाइटली बेटर निकल के आता है। ऑल्दो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा दोनों के बीच में, बट स्लाइटली बेटर निकल के आएगा डायमेंसिटी 1100। बात करते हैं यहाँ पर दोनों के रैम कॉम्पैटिबिलिटी के, दोनों में हमें यहाँ पर 16 GB तक जाने वाला LPDDR4 का रैम मिलता है। दोनों का जो क्लॉक स्पीड है वो भी आइडेंटिकल है, बट यहाँ पर हमें एक में क्वाड चैनल मिलता है एंड एक में हमें सिर्फ ड्यूअल चैनल मिलता है। तो यहाँ पर क्वाड चैनल होने की वजह से डायमेंसिटी 1100 बेटर है। बात करते हैं यहाँ पर हम स्टोरेज सपोर्ट की, तो यहाँ पर दोनों में हमें UFS 2.1 eMMC 5.1 का सपोर्ट मिलता है, बट यहाँ पर जो UFS 3.1 है उसका सपोर्ट कन्फर्म है डायमेंसिटी 1100 में, बट डायमेंसिटी 1000 प्लस में UFS 3.0 का सपोर्ट कन्फर्म है या नहीं है इस पर अभी भी कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो अगर ये कंपनी क्लेरिफाई करती है तो अच्छी बात है कि यहाँ पर सपोर्ट है, और अगर सपोर्ट नहीं है तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है डायमेंसिटी 1000 प्लस के लिए। बात करते हैं यहाँ पर दोनों के ISP की, मतलब इमेज सिग्नल प्रोसेसर की, तो यहाँ पर डायमेंसिटी 1100 एकदम ही बेटर है, बिकॉज यहाँ पर ड्यूअल कैमरा के मामले में दोनों में इक्वल सपोर्ट है 32+16 MP का, बट यहाँ पर सिंगल कैमरा के मामले में डायमेंसिटी 1100 में 108 MP तक का कैमरा लगाया जा सकता है। बात करते हैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग, दोनों में यहाँ पर 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है 60 FPS पे, तो जो अपर एंड है दोनों में सेम है, एंड जो लोअर एंड है 720p वहाँ पर दोनों में ही आपको 240 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में दोनों ही इक्वल है। बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले सपोर्ट की, तो यहाँ पर दोनों में ही Full HD+ तक का डिस्प्ले को लगाया जा सकता है जो कि 144Hz पे काम करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है बिकॉज आपको अच्छा रेजोल्यूशन भी मिलेगा आपके डिस्प्ले में, एंड आपका जो रिफ्रेश रेट है, जो स्मूथनेस होने वाला है आपके डिस्प्ले का, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर मॉडेम की, तो मॉडेम के मामले में यहाँ पर स्लाइटली एक अलग चीज़ मैं देख रहा हूँ कि दोनों में ही हमें अच्छा खासा 5G मॉडेम मिलता है। यहाँ पर हमें डायमेंसिटी 1100 में ड्यूअल मोड मॉडेम मिलता है। यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड दोनों में सेम है, बट जो अपलोडिंग स्पीड है वो सरप्राइजिंगली डायमेंसिटी 1000 प्लस में थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 200 MB/s ज़्यादा स्पीड हमें मिलती है डायमेंसिटी 1000 प्लस में। ऑल्दो दोनों में रियल लाइफ परफॉर्मेंस में इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी यहाँ पर स्लाइटली बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 1000 प्लस मॉडेम के मामले में। कंपेयर करते हैं यहाँ पर दोनों के CPU परफॉर्मेंस को, तो यहाँ पर CPU के मामले में दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर दोनों में ही हमें दो क्लस्टर मिलते हैं, दोनों ही ऑक्टा कोर CPU के साथ में आते हैं। यहाँ पर दोनों में जो कोर डिवीजन है वो 4x4 का है, मतलब 4 कोर परफॉर्मेंस के लिए, 4 कोर एफिशिएंसी के लिए। यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं डायमेंसिटी 1100 की, तो यहाँ पर हमें 4 कोर्स मिलते हैं कॉर्टेक्स के A78 वाले क्लॉक्ड एट 2.6 GHz, एंड यहाँ पर हमें एफिशिएंसी के लिए अगेन दोनों में सेम कोर मिलते हैं
कॉर्टेक्स के 55 वाले क्लॉक्ड एट 2.0 गीगाहर्ट्ज़। बट अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ हायर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर हमें एक जनरेशन लेटेस्ट कोर मिलता है डायमेंसिटी 1100 में, जबकि यहाँ पर डायमेंसिटी 1000 प्लस में हमें कॉर्टेक्स के A77 वाले कोर मिलते हैं जो कि एक जनरेशन पुराने हैं। ऑल्दो दोनों में ही हमें यहाँ पर जो ओवरऑल जो क्लॉक स्पीड है वो सेम मिलती है, बट लेटेस्ट कोर होने की वजह से स्लाइटली बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 1100। एंड यहाँ पर रियल लाइफ परफॉर्मेंस में ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी लॉन्ग टर्म में डायमेंसिटी 1100 बेटर परफॉर्म करने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर जीपीयू की, तो जीपीयू में यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है, दोनों में ही सेम टू सेम जीपीयू लाइक दिया गया है। यहाँ पर दोनों में हमें ARM Mali G77 MC9 मिलता है, 9 कोर का जीपीयू है। दोनों में ही हमें क्लॉक स्पीड आइडेंटिफाइड या फिर क्लेरिफाई नहीं किया गया है कंपनी की तरफ से, बट यहाँ पर सेंट्रोइड मार्कर हम देखते हैं, सेंट्रोइड मार्किंग के हिसाब से दोनों ही आइडेंटिकल परफॉर्मेंस हमें लाकर देते हैं, बिकॉज दोनों का ही सेंट्रोइड मार्क है 112.2। तो यहाँ पर गेमिंग के मामले में आप दोनों में से इक्वल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्लाइटली ज़्यादा FPS मिल सकते हैं डायमेंसिटी 1100 में ड्यू टू CPU परफॉर्मेंस। बात अगर हम करते हैं यहाँ पर दोनों के ही N22 Geekbench कोर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो N22 में दोनों में लगभग हमें 5 से 6 लाख के बीच में लगभग हमें स्कोर देखने को मिलता है। यहाँ पर डायमेंसिटी 1100 में 5,81,000 का स्कोर है, जबकि यहाँ पर डायमेंसिटी 1000 प्लस में 5,30,000 का स्कोर हमें मिलता है। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा गैप भी नहीं है एंड ज़्यादा छोटा गैप भी नहीं है, आप कह सकते हो कि स्लाइटली बेटर है डायमेंसिटी 1100। अगर बात करते हैं यहाँ पर गीकबेंच की, तो गीकबेंच में थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है मल्टी कोर में, बिकॉज मल्टी कोर में काफ़ी बड़ा गैप है। सिंगल कोर में भी गैप है, बट ऑल द वो उतना बड़ा नहीं है, बट मल्टी कोर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप देखने को हमें मिलता है, बिकॉज यहाँ पर हमें 400 पॉइंट्स के आसपास का गैप देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल अगर बात किया जाए परफॉर्मेंस वाइज, तो डायमेंसिटी 1100 काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अपग्रेड होगा डायमेंसिटी 1000 प्लस के अकॉर्डिंग। अगर आप डायमेंसिटी 1000 प्लस पहले से ओन करते हो, तो कोई भी रीज़न नहीं है डायमेंसिटी 1100 पे अपग्रेड करने का, बिकॉज ऑल दो इतना बड़ा परफॉर्मेंस गैप भी नहीं है, बट फिर भी अगर आप एकदम ही फ्रेश न्यू बायर हो, नया फ़ोन लेना चाहते हो, तो डायमेंसिटी 1100 इज़ द वे टू गो। अगर डायमेंसिटी 1100 एंड डायमेंसिटी 1000 प्लस थोड़े से ही प्राइस मार्जिन से ऊपर नीचे आपको मिल रहा है, अगर आपको दोनों में लगभग 15,000, 10,000, 12,000 गैप देखने को मिल रहा है, तो डायमेंसिटी 1000 प्लस अगर सस्ते में मिल रहा है तो ले लो, बाकी अगर दोनों ही सेम प्राइस में मिल रहे हैं 2-3 हज़ार का अगर गैप है, तो डायमेंसिटी 1100 इज़ अ बेटर ऑप्शन। बाकी वीडियो के लिए मुझे इतना ही बताना था, आप मुझे बताइए आप कौन सा चिपसेट प्रीफर करोगे दोनों में से, कौन सा आप करेंटली अभी यूज़ कर रहे हो आपके फ़ोन में। एंड टिल देन दिस इज़ निक साइनिंग ऑफ।